स्टार्ट। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? आज मैं आपको फर्स्ट क्लास में हिंदी व्याकरण में पहला टॉपिक वर्ण पढ़ाऊंगी। देखो बच्चों, आज वर्ण में जैसे वर्ण की परिभाषा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के। पहला है स्वर व्यंजन, नहीं पहला है सॉरी स्वर, दूसरा है व्यंजन। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब देखो स्वर, स्वर में कितनी संख्या होती है? हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। जैसे ए, आ, छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, रस, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अं, ए है। ये तो अपने स्वर है, स्वर में स्वर की संख्या होती है 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 बच्चों। अब इसमें दो स्वर, दो संख्या ऐसी है जो अन्य वर्ण में है, अंग ए है। अब दूसरा टॉपिक है व्यंजन। व्यंजन में देखो, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। जैसे क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, व, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह, अक्ष, र, के। ये तो है संयुक्त व्यंजन। जैसे ढ, ण, ये है अतिरिक्त व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन। अब अपने हैं वर्णों को, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे स्वर और व्यंजन दोनों की एक वर्णमाला है। क्या है? एक वर्णमाला। जैसे दो